वो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर सीसीए कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्हें इंतजार था आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कब से डेट अलाउंस की जाएगी। फाइनली गाइस आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपके जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो पूरी तरीके से डिक्लियर हो चुके हैं। 15 फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने आए, साथ में आपकी क्या कट ऑफ गई और आपको यदि रिजल्ट देखना है इस चीज़ को, इस ऑफिशियल वेबसाइट को, तो आप कैसे देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट मिल सकता है। आपको पता है मैं पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, यदि आप इनमें से आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करें तब बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने जो नोटिस है वो ओपन होकर आ चुका है। तो गाइस यदि आप इस नोटिस का पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर स्टडी विथ मैथ सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर रेलवे रिक्रूटिंग सेल ईस्टर्न रेलवे जो है ये आपका है, वहाँ से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से जारी किया गया। डेट की बात करेंगे 27 जनवरी का डेट है। यहाँ पर नोटिस रिकॉर्डिंग डीवी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड सीसीए कैंडिडेट्स आर सीएन नंबर 0120 या 90, ये केवल स्पेशल जो नोटिस है पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट के लिए रखा गया। यहाँ पर देखेंगे इट हैज बीन डिसाइड द होल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी पीडब्ल्यूबीडी एंड सीसीए कैंडिडेट हु एज एग्जाम्पल फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। यहाँ पर चीजें यही बताएगी कि जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं या फिर सीसीए के कैंडिडेट हैं जिन्हें पीईटी में छूट दी गई थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो फाइनली अलाउंस कर दी गई है। ये आपकी जो मेरिट है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेंटेटिव रखा गया वो 15 फरवरी 2023 से रखा गया। साथ में नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपको अपने 2 से 3 दिन की व्यवस्था करके आना है। तक फाइनली गाइस ये बहुत ही बड़ी आपके लिए अपडेट थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का फाइनली जारी कर दिया गया है। आप भी की जोन का बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी अलाउंस हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब किए रहें जिससे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालांकि गाइस अभी जो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का रिजल्ट जारी नहीं किया गया जिससे पता चले सके कि किन किन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है और किन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि आप किसी भी जोन से हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपका रिजल्ट आए तो मैं रिजल्ट आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूं और आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकें। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वही है कि आपको बताया गया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस आपके लिए यही अपडेट थी कि अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है वो भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की आई है, आपका रिजल्ट और जो आपकी कट ऑफ किया गई वो जारी नहीं किया गया। तो फाइनली गाइस यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ फंड।